ये सब डाल सकते थे उल्टा इससे इससे पहले वाला ट्रिप जो सागली का गया उसमें तो फक ब्रो टेढ़े चले गए मेरे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। जूता पहनू क्या? हाय, जूता पहनो। आज मेरे वो कितने स्मार्ट दिख रहे हैं। शूज पहनू क्या मैं? अच्छा, तो गाइस आप लोगों को पता है अभी जस्ट क्या हुआ? क्या हो गया? वो कितना मासूम शरीफ बन रहे। अरे व्हाट हैपेंड? अरे क्या बोल, वो प्लीज मेरी लिंक मत तोड़। अच्छा तो गाइस आप लोगों को पता है क्या हुआ? पता है क्या हुआ गाइस? यू नो व्हाट अभी क्या हुआ? यू नो व्हाट क्या हुआ? तुम चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूँ मुझे क्या पता? तुझे क्या पता? आज हुआ क्या है? आज हुआ क्या है? मतलब मेरे सारे सेंटेंस के तुम सॉन्ग सुनोगे। अब बोल। मैं तेरे सारे सेंटेंस के सॉन्ग्स नहीं बना रहा। तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हें कहीं जाना है कोई सिंगिंग कंपटीशन में या टेलीविजन पे? चल वहाँ जाते हैं। अरे छोड़ो छोड़ो, कहीं नहीं जाना है। अच्छा गाइस आप लोगों को पता है अभी जस्ट क्या हुआ? मैंने है ना फ्रंट कैमरा चालू है। इब्राहिम का बर्थडे आ रहा है 12th of June और जिन्हें नहीं पता था उन्हें पता चल गया होगा। तो कुछ प्रिपेरेशन चल रही है कपड़ों वपड़ों की, देखते हैं पता नहीं क्या होता है। और बर्थडे की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है सिर्फ मुझे, कि बर्थडे ऐसा लग रहा है कि मेरा आ रहा है इनका नहीं। तुम्हारा बर्थडे मनाता हूँ खुशी से ताकि तुम खुश हो जाओ। तुम खुश होते तो मेरे को खुशी मिलती है। बाकी इतने अच्छे से मनाएंगे और खुद के बर्थडे और खुद के बर्थडे के टाइम पे फॉइल पेपर लगा हुआ शर्ट पहन के आए थे। आर यू सीरियस? और पता नहीं अभी ये बर्थडे पहली बात तो वो अच्छा शर्ट था, इसके ऊपर डिजाइन थी वो सिल्वर कलर की। डिजाइन नहीं थी, अगर आप लोग वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका डालने ही वाली हूँ लिंक, जरूर देखना वो ब्लॉग। उसमें आप जो शर्ट अच्छा था, शर्ट खराब नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जिस दिन पहने थे ना वो दिन में वो मैच नहीं हो रहा था शर्ट। ऐसे नॉर्मल डेज में फिर वो हेरी के दिन में मेरे को कौन देख रहा? मैं तुमको मेरे लिए सच सवर के रहना चाहिए घर में। मैं जब आऊँ काम पे से तो तुम सच सवर के बैठना चाहिए मेरे लिए। ये बात भी ठीक है। अरे ऐसा बोलो यार, कितने बोरिंग ऐसा बोलो। मैं क्या, अरे तू दशा इनकी दशा कसम। आप लोग को पता है एक देख रहे हो मैं तुम्हारा बर्थडे क्यों इतना खुशी से मनाता हूँ? तुम एक साल कम हो रहे ना देखो तुम्हारा बर्थडे खुशी से मनाते हुए अच्छा लगता है। देखो मेरे बर्थडे में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, मेरा एक साल कम हो रहा है। सब सुन रही हूँ मैं और मेरी दिल की आवाज नहीं, दिल की कान भी सुन रहे हैं। मैं कर रहा था यार मेरा बच्चा, तुम्हारा छोटा प्यार नीचे हट मेरे से। ओके तो जो भी है छोड़ो इनको, इनका बर्थडे जब आएगा तब आएगा देखेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं मैंगोस लेने। तो अभी हम जा रहे हैं बाशी मार्केट मैंगोज लेने के लिए। मैंगो बफेलो की तरह की चिल्ला रहा हूँ। वो प्लीज चुप बैठो, वो तुमको बहुत परेशान कर रहे हो। एक टर्न गलत लिया है और मैं पूरा भटक गया खोटा, और मैं वापिस वहाँ से जा सकता हूँ। तो तुम्हें लेकिन ध्यान रखना चाहिए चारों तरफ, तुम ध्यान क्यों नहीं रखते हो? हाँ क्या, जब से परेशान करे जा रहे हो परेशान करे जा रहे हो, तुम ध्यान क्यों नहीं रखते हो गाड़ी चलाते हो? तो किस चीज का? तुम्हें समझ नहीं आती जब से देखो इरिटेट करके रखे परेशान करके रखे, समझता तो है नहीं। बना रही हूँ यहाँ पे, देख रहे हो कि मैं यहाँ पे व्लॉग बना रही हूँ, यहाँ पे कुछ बोल रही हूँ मैं तो नहीं।
चल बस हो गया, ओवर एक्टिंग कम कर। चुप बैठा शान है, इसको मालूम है ना कैमरा चालू है, अभी कैमरा बंद होता ना सब मालूम पड़ता था। एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू इब्राहिम से झगड़ा करने का, बट लेकिन हमारे से होता ही नहीं। सो फाइनली वी आर इन द मार्केट। इतना घुमाने के बाद इब्राहिम पूरा रास्ता भटक गया, तो इतना घुमा घुमा के हम आ गए हैं मैंगो मार्केट, जिसमें सिर्फ फ्रूट का मार्केट है। ओके, ये हमारे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मार्केट है। मैंगोज हाउ टू सिलेक्टेड, मम्मा ने पहले ही बोले कि जरा भी खराब वाला लेके आई तो तेरी खैर नहीं है। फाइनली हम लोग ने आम खरीदे, काफी सारे बैठ गए हैं, इतना चलाए हैं यस, बहुत ज्यादा चलाए हैं, जिसकी हद ही नहीं है। आज क्या तुमने ठेका लेकर रखे यार, परेशान करके छोड़ा है आदमी ने। बू प्लीज, अरे यार क्या प्लीज, वो आम की लालच में। अच्छा 24 कितना हो, दो पेटी में अपन लिए ना, दो बॉक्स 48। ओह माय गॉड, क्विक आंसर। And God is great and God is greatest. क्या बोलूँ मैं? क्यों? आज क्यों? क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ? चुप बैठ जाओ। तेरा वादा वो क्या? और तेरा राह मिलेगा दिल भूलेगा भटक रहते हैं। मतलब क्या हो जा रहा है मालूम, अगर जहाँ पे अच्छी क्वालिटी नहीं उन लोग हाई प्राइस बता रहे हैं। देर से रुका था मैं बोला थोड़ा आगे चलोगे तो घुस जाऊंगा, कोई नहीं पता है। तो इतने हम लोग परेशान थे, वहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, वो बहुत ज्यादा ही महंगा दे रहे। तो उतने में हमें हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे चाहने वाले मिल जाते हैं हमेशा। अगर कहीं भी जाओ, इवन अ नॉर्मल मार्केट भी जाओ, तो वहाँ पे हमें हमारे प्यार करने वाले, हमारे चाहने वाले आप सब मिल ही जाते हो वहाँ पे। और कोई चीज अपने को महंगी नहीं मिलती, सब आप लोगों की मोहब्बत के वजह से कभी सस्ती मिल जाती है, कभी फ्री मिल जाती है, वो आप लोगों की मेहमान नवाजी होती है और कुछ नहीं गाइस। थैंक यू सो मच, उनकी वजह से इतनी हेल्प हुई, इतनी हेल्प हुई कि फाइनली हमें आम मिल गए हैं, वो भी बेस्ट क्वालिटी में। थैंक यू सो मच अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। और याद है वो नवसारी गए थे, हम लोग नवसारी गए थे जब, तभी भी हमें वहाँ पे फैंस मिल गए थे जिन्होंने हम लोग के लिए डिनर और प्लस ब्रेकफास्ट सब अरेंज करे थे, और ऑन टाइम हम लोग सोते रहते थे उसके पहले ही वो लाके रख देते थे। मतलब लाला मैंने तो पूरा सीन बना डाला तेरे से, जैसे चने को मैंने सिंग बना डाला। तू चना, तू सिंग, मैं मूंगफली हूँ। तुम मेरे से नहीं जीत सकते, वो तुम मेरे से जरा भी नहीं जीत सकते। और अभी हम जा रहे हैं कहा, तो भी कहा, कहा, कहा? ऐसे बराबर जब देखो तब बीच में मेरे को पोक करे जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे, मेरे लिंक तोड़ दिए रहे बार बार, और अब जब क्वेश्चन करे तो मेरे को बता नहीं रहे हम कहा जा रहे, मुझे हम कहा जा रहे। हम लोग जा रहे हैं कहा, वही पूछ रही हूँ कहा। एक्चुअली मेरे फ्रेंड के तो जा रहा हूँ मैं सैलून पर, इनको बाल कटवाने थे, इनने बोला था। लेके जा रहे? हाँ सही में, मैं अभी जा रहा हूँ जीता के, और किस्मत हेयर कनेक्शन मेरे फ्रेंड के हुआ, किसी ने तो प्रूफ ही कर दिया सही में गाड़ी चलाने नहीं आती। अबे नहीं मैंने ना एक्चुअली ना देखा नहीं, और मैंने डायरेक्टली ये नजारा, थोड़ी रुको ना, आवाज में ना रियाज करनी पड़ेगी ताकि वाह। आज मेरे को सारी चीज इतनी वाह क्यों लग रही है, तो मेरे को ना थोड़ा मेरी आवाज पे ना रियाज करना पड़ेगा कि जिससे मेरी आवाज थोड़ा और अच्छी हो जाए, तो मैं गाना गाऊं तो थोड़ा और अच्छा लगे। तुम्हारी कसम मैं ऐसी गाड़ी घुमा रहा हूं। हां हां क्या बोल रहे, अरे वहां पे चांद दिख रहा था, अरे वहां पे ना बहुत ब्यूटीफुल सा डेकोर किए थे। मेरे से बात मत करो, मैं तुमको इग्नोर कर रहा हूं। अरे क्या, अरे बस मजाक किया, अरे मैं चलो लीव लीव, मैं नहीं बात कर रही थी तुमसे, मैं क्यों जबरदस्ती मेरे को ऐसा बोले यू टर्न मारूंगा, मैं यू टर्न मार लूंगा फिर। अच्छा ठीक है, क्या कर रहे वो गाइस, बंदर बंदर, हां दिख गया दिख गया दिख गया, अरे कंटेंट इधर देखो कंटेंट,
सो गाइस सैड हो गया, इसका कोई रीजन ही नहीं, बेवजह। और तुम लोगों को मालूम है लड़की लोग कोई भी बात से सैड हो जाते हैं, बस तो मैं आधे घंटे से मना रहा हूँ कि मुझसे चल, मैं इनके घर के नीचे स्टॉप रुक गया हूँ, चलो ठीक है अब घर पे जाओ, इनको घर भी नहीं जाना, इनको सैड भी हो रहा है, काफी फील हो रहा है, तो क्या करें। अब मैं बोला इनको आइसक्रीम पसंद है तो हम लोग तो ठीक है, तो अपन ने इनको आइसक्रीम खिलाने लेकर आए। सो गाइस जब अब्बू ने ये बाइक खरीदे थे फर्स्ट टाइम, तब उन्होंने अपनी बाइक पे अंदर जो क्या होता है, कुछ भी नहीं, अल्लाह कुछ किए, हमारा नाम लिखा है, देखो इधर आएगा बू बू एक बू ये और एक बू मैं, और इसको कितना ये लिखवा के कितने, हमारी गाड़ी का नंबर प्लेट भी वही है, समझे क्या, हाँ 8484 बू बू। और 3 साल हो गए ना बाइक खरीद के, R15 2 साल 1 साल, अरे क्या सब नहीं बोल, अरे हाँ ना 3 साल हो गए ना बुशू, 2021 में लिए थे ना, तो 2023 चल रहा है, बर्थडे में लिए थे तभी ये बर्थडे को, जब मैंने YouTube चैनल पे पहला वीडियो डाला था तभी, तब खरीदा, और आज मेरा रिकॉर्ड सब फुला इतना जोर से, सॉरी चल कोई नहीं। तो गाइस अभी मैं सैड हूँ, बुशू में वो क्या खिला रहे, तुम क्यों सैड हो, अबे हर चीज में सैड होते रहते हैं, कोई काम धंधा है कि नहीं तुमको, मैं क्या खिला रही, देखे लड़कों का किसी चीज पे अधिकार ही नहीं होता, चलेगा मेरा कुछ होता नहीं, चलो चलो बस हो गया, हम देखो हम रसपूरी बनाई और बुशु ने और हम लेके आई, ओह व्हाट अ राइमिंग, के पैसे को पैसा खींचता है, आम को आम खींचता है, वाह बस लग रहा है ना, ये भी एक रख दो, ये एक की कमी है, वेलकम आम लाने के लिए, इसी के साथ बुशु का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं, तो मेरे ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।